Hello everyone, good evening. Welcome to today to our session drug of the day, metronidazole. Before that, if you are not gone through our previous videos, then please go to YouTube, Dharmesh Mehta GPAT, where you will find our previous videos of the drug of the day. So let's start with our today's session, where we are going to discuss the drug metronidazole. सो मेट्रोनिडाजोल के बारे में सुना हमने, राइट? मेट्रोनिडाजोल किसमें यूज होता है? एंटी एमेबिक करके यूज होता है, राइट? हमने ये मोस्टली सुना है कि वो एंटी एमेबिक करके यूज होता है, बट वो गायरडियासिस, ट्राइपैनसोमियासिस और बहुत सारे डिजीजेस में भी मेट्रोनिडाजोल यूज होता है. सो ये तो उसके यूजेस थे कि मेट्रोनिडाजोल कौन से इसमें यूज होता है डिजीजेस में, बट लेट्स सी हमें नाम से कुछ पता चलता है क्या मेट्रोनिडाजोल के. सी मेट्रोनिडाजोल में मेट है, मेट स्टैंड्स फॉर CH3 ग्रुप. ओके, मिथाइल ग्रुप, दैट इज द CH3 ग्रुप इज मिथाइल ग्रुप. सो मेट्रोनिडाजोल के मेट स्टैंड फॉर CH3 मिथाइल ग्रुप एंड दिस इज द अज, दिस इज अजा. अजा इज फॉर नाइट्रोजन एंड ओल इज फॉर 5 मेंबर रिंग. ओके, एंड निडाजोल, सो दिस मीन्स वॉट? It contains 5-membered ring, contains imidazole, that is the imidazole ring. So we can say that metronidazole में methyl group है और imidazole ring है. Fine. So हमें उसके नाम से उसके structure के बारे में पता चला और हमें ये पता चला कि metronidazole is used as anti-amoebic drug. So let's start with our today's session. So metronidazole anti-amoebic use होता है, but वो कॉज क्या करता है? किसके लिए होता है? अमेबियासिस के लिए, राइट? बट हमें फर्स्ट वी शुड नो, राइट, व्हाट इज अमेबियासिस. तो अमेबियासिस इज ए पैरासिटिक इन्फेक्शन ऑफ कोलोन. अमेबियासिस पैरासिटिक इन्फेक्शन है कोलोन का. ओके, सो हमें ये तो पता चल गया कि ये जो है पैरासिटिक इन्फेक्शन है कोलोन का, बट ये इन्फेक्शन का कॉज कौन करता है, राइट? अमेबियासिस कॉज कौन करेगा? इसका कोई तो पैरासिट होगा, उसका नाम होगा कुछ तो, राइट? सो लेट्स सी. सो अमेबियासिस इज कॉज्ड बाय एंटी अमेबा हिस्टोलिटिका. सी हियर, इट इज कॉज्ड बाय एंटी अमेबा हिस्टोलिटिका. वह एंटी अमेबा हिस्टोलिटिका अमेबियासिस कॉज करेगा और एंटी अमेबा हिस्टोलिटिका इज एन एनएरोबिक पैरासाइट. ओके, इट इज एन एनएरोबिक पैरासाइट. अभी एनारोबिक का मीनिंग क्या है? एनारोबिक का मीनिंग है कि एनारोब वेयर दे डिडंट यूज ऑक्सीजन फॉर देयर ग्रोथ और सर्वाइवल. उनको उनकी ग्रोथ या सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, उनको हम लोग एनारोब बोलते हैं. सो एंटामेबा हिस्टोलिटिका इज एन एनारोबिक पैरासाइट एंड द जीनस ऑफ एंटामेबा हिस्टोलिटिका इज एंटामेबा. उसका जीनस है एंटामेबा. तो हमें ये तो पता चला कि अमेबियासिस होता क्या है और वो कॉज कौन करता है, बट वो स्प्रेड कैसे होता है, राइट? इतना तो पता चल गया कॉज कौन करता है, बट वो स्प्रेड भी कैसे होता है? तो दैट इज स्प्रेड थ्रू ईटिंग अनकुक फूड. अगर कोई फूड है जो कंटामिनेट हुआ है एंड इट कंटेन्स एंटामेबा हिस्टोलिटिका एंड इफ वी कंज्यूम विद इट एज अनकुक, then we will get infected with the anti-amoeba histolytica parasite. So it will spread through eating uncooked food and secondly through drinking contaminated water. अगर water contaminated है और उसमें anti-amoeba histolytica parasite है, so then it will be spread through and it will cause infection through drinking contaminated water. Fine. So पहले दो क्या थे? अनकुक फूड और ड्रिंकिंग कंटामिनेटेड वाटर. एंड द थर्ड इज पुअर सैनिटेशन. मतलब अगर मेंटेन हाइजीन हम लोगों ने मेंटेन नहीं किया और हाइजीन मेंटेन नहीं किया और वो जो अपना एरिया है सराउंडिंग वाला दैट इज नॉट हाइजेनिक एंड इट मे लीड टू ग्रोथ ऑफ द एंटामेबा हिस्टोलिटिका एंड इट मे स्प्रेड थ्रू ईटिंग अनकुक फूड और कंटामिनेटेड वाटर. Fine. So it can be spread through eating uncooked food, drinking contaminated water, and poor sanitation. So we get to know the cause,
and the spread. But how will we get to know that we are suffering from amebiasis, right? हमें पता कैसे चलेगा कि हमें amebiasis हुआ है? So उसके लिए हमें symptoms तो पता होने चाहिए उसके, right? So let's see the symptoms of amebiasis. These are the diarrhea, bloody stools, fever, loss of appetite and cramping in muscles. Okay, अगर ये सब symptoms दिखे हमें, diarrhea, bloody stool, fever, loss of appetite or cramping in muscle, so we can say that we may affected by amebiasis, fine. So हमें ये पता चला what is the cause and how it spreads and what are the symptoms of amebiasis. So let's see the life cycle of anti-amoeba histolytica, like how anti-amoeba histolytica will infect our body, human body. See, this is the mature cyst of the anti-amoeba histolytica, where it contains four nuclei. These are the four nuclei. Okay, so mature cyst contains four nuclei of anti-amoeba histolytica, and where it where the excisation of this mature cyst will occur, where we can see the swelling of the cytoplasm is occurring, and it will convert into trophozoite, where we can see the shape of this mature cyst has changed, and after it converting into trophozoite, it undergo multiplication, where it may form more number of trophozoites, which is called trophozoites, and it may also form cyst. Here we can see it is only one nuclei, it contains only one nuclei. So this cyst may undergo again multiplication, and it will form the mature cyst, which contains four nuclei again, right? So yahi jo mature cyst hai wo hame feces mein dekhne ko milta hai, jo infected persons ke feces mein humne anti-amoeba histolytica ke cyst hote hain, right? See, ab wo humans mein kaise infect karta hai, you have say this mature cyst will be ingested by the human, where it will go to a stomach, and from there it will go to the colon, where here we can see colon and intestine, small intestine, large intestine. So here you can see this is the infected part of the intestine, and this is the infected part which is extra intestinal, that is this is pancreas, ye lungs hai aur ye brain hai. To ye extra intestinal hai infection jo hai, extra intestinal, like pancreas hai, intestine ke bahar lungs and brain, these are the extra intestinal infection, and this is the intestinal infection. Okay, so wo extra intestinal infection bhi cause kar sakta hai, extra intestinal bhi. So ye jo hoga, you can see here, this is the non invasive colonization, jo hoga non invasive colonization hoga, aur ye intestinal disease hai, this is the intestinal disease, and this is the extra intestinal disease. See, this is the extra intestinal disease, fine. And here we can see the say infective stage and the diagnostic stage, matlab कौन से स्टेज पे हम लोग डायग्नोसिस कर सकते हैं और कौन से स्टेज पे वो इन्फेक्ट करता है, उसे हम लोग बोलेंगे इन्फेक्टिव स्टेज एंड डायग्नोस्टिक स्टेज. सो हियर वी कैन से दिस ट्रोफोसाइट्स इज द डायग्नोस्टिक स्टेज, दिस फॉर्म ऑफ सिस्ट इज आल्सो डायग्नोस्टिक स्टेज, एंड हियर वी कैन से दिस मैच्योर सिस्ट इज द डायग्नोस्टिक स्टेज एज वेल एज इन्फेक्टिव स्टेज, राइट? सो हमें अभी ये पता चल गया दैट हाउ इट इन्फेक्ट्स द inside the body, right? Anti-amoeba histolytica, how it infects the human body, intestinal part and the extra intestinal parts. So we will see how metronidazole will stop this infection or cure this infection. So on the basis of that, we can classify anti-amoebic drugs in two parts, that is tissue amoebicides and luminal amoebicides. Okay, so the on the basis of that life cycle ke basis pe hum usko do part mein divide karenge dear drugs ko, that is tissue amoebicide and luminal amoebicide. So let's see first tissue amoebicide. Tissue amoebicide mein bhi do classification hai, first is
फॉर इंटेस्टाइनल प्लस एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल अमेबियासिस, पहला जो है जो दोनों के लिए यूज होता है, इंटेस्टाइनल एज वेल एज एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल अमेबियासिस के लिए, और जो दूसरा क्लासिफिकेशन है वो सिर्फ एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल अमेबियासिस के लिए. तो एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल अमेबियासिस में सिर्फ ओनली क्लोरोक्विन कम्स. क्लोरोक्विन इज एंटी मलेरियल ड्रग, राइट? वी ऑल नो दिस इज एंटी मलेरियल ड्रग. सो फॉर एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल अमेबियासिस वी यूज क्लोरोक्विन, एंड फॉर इंटेस्टाइनल प्लस एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल अमेबियासिस देयर इज टू क्लासिफिकेशन अगेन, नाइट्रोइमिडाजोल एंड अल्कलॉइड. ओके, सो नाइट्रोइमिडाजोल में कौन कौन से ड्रग आते हैं? मेट्रोनिडाजोल, टीनिडाजोल, सेक्निडाजोल, ऑर्निडाजोल, सैट्रोनिडाजोल. सी इन नाइट्रोइमिडाजोल फ्रॉम द नेम वी गेट टू नो दैट इट कंटेन्स नाइट्रो ग्रुप एंड इमिडाजोल रिंग, राइट? इट कंटेन्स नाइट्रो ग्रुप एंड इमिडाजोल रिंग. And the drugs which comes under this group ends with the nidazole. See, metronidazole, tinidazole, secnidazole, or nidazole. So, जो nitroimidazole के drugs है वो सारे end किससे होंगे? nidazole से. So, हम लोग easily उसको classify कर सकते हैं nitroimidazole को, और उसमें हमारा metronidazole भी आता है. फाइन, सो द सेकेंड इज अल्कलॉइड्स. इन अल्कलॉइड्स वी कैन सी दैट एमेटिन एंड डिहाइड्रोएमेटिन. सो दिस अल्कलॉइडल दैट इज एमेटिन एंड डिहाइड्रोएमेटिन इज यूज फॉर इंटेस्टाइनल एंड एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल अमेबियासिस. फाइन, सो लेट्स मूव टू द ल्यूमिनल अमेबियासिड्स. नाउ ल्यूमिनल अमेबियासिड्स इज क्लासिफाइड इनटू थ्री पार्ट्स. फर्स्ट इज अमाइड्स, second is 8-hydroxyquinolines, and the third is antibiotics. See, in amides we see dialoxanide, furoid, and the second one is nitroxanide. Luminal amebiasis ka jo first classification amides, usme do drug hai, dialoxanide, furoid, and the second one is nitazoxanide. And the second classification is 8-hydroxyquinolines. We all know, right, that 8-hydroxyquinolines is also used in malaria. So under this we can see vinidochlore, which is also called as iodochlorohydroxyquine. This is the second name of vinidochlore, and the second drug is diiodohydroxyquine, and it is also called as iodoquinol. So under 8-hydroxyquinoline we can see two drugs, vinidochlore and diiodohydroxyquine. Fine, so let's move to the antibiotics, which is the third part of luminal amebiasis. In antibiotics we can use tetracycline and paromomycin. Fine, so we can use these two antibiotics for as anti amebic for luminal amebiasis, that is tetracyclines and paromocycline. So we have seen the classification of anti-amoebic drugs on the basis of the life cycle. Life cycle ke basis pe dekha na ki tissue amoebicides aur luminal amoebicides mein kaun se drugs use hote hain. So usme bhi humne ne dekha ki extra intestinal aur intestinal ke liye, aur sirf extra intestinal ke liye kaun se use hote hain, aur baki these are on the basis of the structure and this is a of antibiotics. Fine, so now we have seen the classification and we have get an idea that our metronidazole comes under the group of nitroimidazole, which is used for both intestinal and extra intestinal amebiasis. So let's see our drug metronidazole. See, it comes under the class nitroimidazole, which we have discussed earlier, and it is used for both intestinal and extra intestinal amebiasis. Oh, and see, it is a prototype of nitroimidazole. Matlab ye pehla drug hai nitroimidazole group ka, and has broad spectrum sidal activity. Matlab kya hota hai ki ye jo sidal ka meaning hai kill, sidal means kill, to ye jo hai ye broad spectrum sidal activity show karta hai kon metronidazole. Fine,
ये जो पैरासाइट्स है उसके अगेंस्ट किलिंग का एक्टिविटी दिखाएगा एसिडल, और इट इज ब्रॉड स्पेक्ट्रम, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही पैरासाइट के अगेंस्ट एक्टिविटी शो करेगा, इट इज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम सीडल एक्टिविटी. Fine, so we have seen that it is nitrimidazole, it comes under the class of nitrimidazole, used for both intestinal and extra-intestinal invasives, and it is a broad spectrum cidal activity against protozoa. So let's see the structure. Here is the structure of the metronidazole. See, this is the imidazole ring. This is first, second, third, fourth and fifth. So first and on third we have two nitrogens, which is five member ring, is an imidazole ring, and at the second position we see methyl group, right? Ye methyl group hai aur ye imidazole ring hai, and at five position seeing nitro group. So we can say this is the structure of metronidazole, where we can see the methyl group, nitro group and the imidazole ring. And the nitrogen here attaches ethanol group. Okay, this is the ethanol group. Okay, fine. तो हमने भी structure देख लिया. Metronidazole कौन से class का drug है, किसके लिए use होता है. Fine, we have seen. But हमें अब ये देखते हैं कि वो हमें anti-amoebic drug ऐसे act करता है. उसका mechanism of action क्या है? कैसे cure करता है amoebiasis को, right? So let's see the mechanism of action of metronidazole drug. See, metronidazole drug is selectively toxic to anaerobic microorganisms. ये जो metronidazole drug है ना, selective है. किस selectively किसको toxic है? सिर्फ anaerobic microorganism. We have seen in the first slide, right? कि anaerobic microorganisms कौन होते हैं? Those who do not require oxygen for their survival or growth. So ये टॉक्सिक मेट्रोनिडाजोल सिलेक्टिवली किसको टॉक्सिक है? सिर्फ एनएरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए, एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए नहीं. सो ये तो उसका ये फीचर है, राइट? बट उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा? सी हियर, द नाइट्रो ग्रुप ऑफ मेट्रोनिडाजोल इज कन्वर्टेड टू हाईली एक्टिव नाइट्रो रेडिकल, विच इज कन्वर्टेड बाय प्रोटीन प्रेजेंट ओनली इन एनएरोब्स. क्या बोल रहा है कि जो नाइट्रो ग्रुप है मेट्रोनिडाजोल, फिफ्थ पोजीशन पे हमने देखा, राइट, कि वहां पे नाइट्रो ग्रुप है. सो दैट नाइट्रो ग्रुप इज कन्वर्टेड इनटू हाईली एक्टिव नाइट्रो रेडिकल में कन्वर्ट होगा. रेडिकल्स आर हाईली एक्टिव, राइट? वी ऑल नो. सो दिस इज दिस कन्वर्जन ऑफ नाइट्रो ग्रुप टू हाईली एक्टिव नाइट्रो रेडिकल इज डन बाय प्रोटीन प्रेजेंट ओनली इन एनएरोब. जो एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उसमें ही ये प्रोटीन प्रेजेंट होता है, जो नाइट्रो ग्रुप को नाइट्रो रेडिकल में कन्वर्ट करेगा. फाइन. सो फर्स्ट तो स्टेप में यही होगा कि जो प्रोटीन है वो नाइट्रो ग्रुप को नाइट्रो रेडिकल में कन्वर्ट करेगा. सी व्हाट हैपेंस, दिस नाइट्रो रेडिकल विल कम्पीट विथ बायोलॉजिकल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स ऑफ एनारोब्स जनरेटेड बाय pyruvate ferredoxin oxidoreductase enzyme pathway of pyruvate oxidation. Sentence क्या बोल रहा है कि ये जो नाइट्रो रेडिकल बना है, it will compete with biological electron acceptors, right? Body में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो या हमारे यहाँ, वहां पे सब मेटाबोलिज्म एंड ऑल पाथवेज चलते रहते, राइट, ऑन गोइंग होते. तो वहां पे जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स फंक्शनल ग्रुप्स होंगे या मॉलिक्यूल्स होंगे, कोई भी होगा, वो जो होगा उसके साथ कम्पीट करेगा. कौन? नाइट्रो रेडिकल विच इज फॉर्म इन द फर्स्ट स्टेप, राइट, बाय द प्रोटीन. तो ये उसके साथ कम्पीट करेगा, बायोलॉजिकल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स के साथ. इन कौन से पाथवे में? जो जो इलेक्ट्रॉन्स जनरेट कहाँ पे होंगे? पायरुवेट फेरेडोक्सिन ऑक्सीडो रिडक्टिव एंजाइम पाथवे वेयर ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट ऑकर. ओके, जहां पे पायरुवेट का ऑक्सीडेशन होता है उस पाथवे में इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होते हैं, और वहां पे बायोलॉजिकल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स होते हैं, उनके साथ कंपीट कौन करता है? दिस नाइट्रो रेडिकल्स विच आर फॉर्म. ओके, सो बिकॉज ऑफ दैट मेट्रोनिडाजोल विल डिस्टर्ब द एनर्जी मेटाबोलिज्म ऑफ एनारोब. सो ये जो
मेट्रोनिडाजोल क्या करेगा, वी बायोलॉजिकल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स को इलेक्ट्रॉन्स लेने नहीं देगा और ये नाइट्रो रेडिकल ले लेगा. बिकॉज ऑफ दैट ऑक्सीडेशन नहीं होगा और एनर्जी नहीं बनेगी, राइट, एनर्जी नहीं मिलेगी. तो ये जो मेटाबोलिज्म है एनएनएफ्स का वो होने नहीं देगा, इट विल इंटररप्ट दिस मेटाबोलिज्म. बिकॉज ऑफ दैट हेट माइक्रो ऑर्गेनिज्म और द पैरासाइट विल नॉट गेट द एनर्जी एंड बिकॉज ऑफ दैट इट विल नॉट मल्टीप्लाई एंड द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म विल स्टॉप एंड इट विल डाई. ओके, सो अकॉर्डिंग टू दिस वी कैन से कि जो इनडायरेक्टली मेट्रोनिडाजोल उसके एनर्जी के साथ इंटररप्ट करता, राइट, उसको एनर्जी प्रोवाइड नहीं होने देता है एनएरोब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को. बिकॉज ऑफ दैट द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डाई एंड इट क्योर्स अस फ्रॉम एमेबियासिस. फाइन, सो वी हैव सीन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ मेट्रोनिडाजोल. हमने देख लिया कि एमेबियासिस क्या होता है, उस कॉज क्या होता है और स्प्रेड कैसे होता है. देन वी हैव सीन द मेट्रोनिडाजोल ड्रग, उसका स्ट्रक्चर एंड द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. सो नाउ वी हैव सीन ऑल द इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द मेट्रोनिडाजोल, राइट, बट एडवर्स इफेक्ट्स और उसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन इज ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ड्रग, राइट, बिकॉज उसके ऊपर ही डिपेंड करेगा ना कि उसका कोई रिएक्शन होगा कि बॉडी के ऊपर अलग कोई इफेक्ट्स है, साइड इफेक्ट्स है. एंड इट शुड बी रेशियो, लाइक रिस्क बेनिफिट रेशियो होता है, वैसे उसके ऊपर डिपेंड करेगा दैट वी शुड टेक इट नाउ और नॉट एंड हाउ मच क्वान्टिटी वी शुड टेक, राइट. सो लेट्स सी द एडवर्स ड्रग इफेक्ट्स. सी द कॉमन इफेक्ट्स ऑफ द मेट्रोनिडाजोल आर एनोरेक्सिया, मेटालिक टेस्ट, नॉशिया एंड एब्डोमिनल क्रैम्प्स. ओके, सो एनोरेक्सिया क्या होता है? एनोरेक्सिया जो है ना एक ईटिंग डिसऑर्डर है जहाँ पे वी हैव एबनॉर्मली बॉडी लॉस, बॉडी का जो वेट है वो लॉस हो जाता है एबनॉर्मली. फाइन, सो इट इज एन ईटिंग डिसऑर्डर, सॉरी, सो एनोरेक्सिया इज एन ईटिंग डिसऑर्डर विच लीड्स टू एबनॉर्मली लो बॉडी वेट एंड इट ऑल्सो गिव्स मेटालिक टेस्ट, इट ऑल्सो कॉजेस नॉशिया एंड एबडोमिनल cramps. And we can also see the occasional looseness of stool as it causes diarrhea. So we can also see occasional looseness of stools also. Fine. See, the less frequent side effects. What are the less frequent side effects? मतलब these are the common side effects, right? वो कौन से कुछ जो कम दिखते हैं but है side effects. जैसे कि headache, dryness of mouth, dizziness, rashes and neutropenia. Neutropenia is decrease in the level of neutrophils in the body. उसको हम लोग neutropenia बोलते हैं. तो less frequent side effects में headache है, dryness of the mouth, dizziness, rashes and neutropenia also. So अब हम लोगों ने common side effects देख लिए, less frequently दिखने वाले भी देख लिए. अगर prolonged administration कर रहे हैं हम लोग metronidazole का तब क्या देखिएगा, पेरिफेरल न्यूरोपैथी एंड सीजर्स एट हाई डोसेस. अगर हम लोग हाई डोज में देंगे तो वी कैन सी सीजर्स ऑल्सो. एंड वॉट इज पेरिफेरल न्यूरोपैथी? इट इज अ वीकनेस, नर्मनेस एंड पेन फ्रॉम नर्व डैमेज. नर्व डैमेज के कारण जो वीकनेस या पेन होता है ना पेरिफेरी में, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द पेरिफेरी, तो वहां पे हम लोग उसको बोलेंगे पेरिफेरल न्यूरोपैथी. ओके, सो प्रोलॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी एंड सीजर्स वी कैन सी. एंड वी कैन ऑल्सो सी थ्रोम्बोफ्लेबिटिस. थ्रोम्बोफ्लेबिटिस भी हमें वी कैन सी. थ्रोम्बोफ्लेबिटिस का मीनिंग क्या है? थ्रोम्बोफ्लेबिटिस एंड इन्फ्लामेशन ऑफ द वॉल ऑफ वेन एसोसिएटेड विद थ्रोम्बस. थ्रोम्बस का मीनिंग क्या है? ब्लड क्लॉट. ओके, दिस इज द ब्लड क्लॉट. सी ब्लड में हम लोग क्लॉट्स पता है, राइट, हम लोग को ब्लड क्लॉट्स पता है. सो ब्लड थ्रोम्बस का मीनिंग ब्लड क्लॉट्स है. तो वॉट इज थ्रोम्बोफ्लेबिटिस? थ्रोम्बोफ्लेबिटिस इज इन्फ्लेमेशन इन द वॉल ऑफ द वेन विच इज एसोसिएटेड विद थ्रोम्बस, दैट इज द
ब्लड क्लॉट, ब्लड क्लॉट के वजह से जो इन्फ्लामेशन होता है वेन में, उसके उसके वजह से थ्रोम्बोफ्लेबिटिस दिखाई देता है. तो मेट्रोनिडाजोल अगर हाई डोज में आप प्रोलॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे तो थ्रोम्बोफ्लेबिटिस भी दिखेगा. सो दिस वेयर द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ द मेट्रोनिडाजोल, वेयर वी हैव सीन कॉमन साइड इफेक्ट्स, लेस फ्रीक्वेंट साइड इफेक्ट्स एंड प्रोलॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन साइड इफेक्ट. सो वी विल मूव टू द नाउ फॉर कॉन्ट्रा इंडिकेशन. व्हाट आर द कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ मेट्रोनिडाजोल? सी, इट इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स. जो डिसऑर्डर्स न्यूरोन से होते हैं उसमें कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है एंड इट इज कॉन्ट्रा ब्लड डिस्क्रेसिस फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी. वी से दैट इट इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, बट नो टेराटोजेनिक इफेक्ट इज सीन टिल नाउ. मतलब अभी तक कोई ऐसा टेराटोजेनिक इफेक्ट दिखा नहीं है, बट फिर भी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में एंड ऑल्सो इन क्रोनिक अल्कोहलिज्म यूज. अगर हम लोग क्रोनिक अल्कोहलिज्म है करते हैं, लाइक क्रोनिक अल्कोहलिज्म अल्कोहल का यूज करते हैं बहुत ज्यादा, तो भी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है. फाइन. सो ब्लड डिस्क्रेसिस का मीनिंग क्या होता है? ब्लड डिस्क्रेसिस जो है ना, एक एबनॉर्मल कंडीशन या फिर डिसऑर्डर है ब्लड का, उसको हम लोग ब्लड डिस्क्रेसिस बोलते हैं. तो मेट्रोनिडाजोल किसमें किसमें कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है? न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में ब्लड डिस्क्रेसिस एंड द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी एंड इन क्रोनिक अल्कोहलिज्म. फाइन. सो दिस वेर द कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ द मेट्रोनिडाजोल. नाउ लेट्स सी द इंटरक्शन ऑफ मेट्रोनिडाजोल्स. What are the interactions of metronidazoles? The first is disulfiram-like reaction of the is seen in patients consuming alcohols. So we have seen that it is contained in chronic alcoholism. क्यों? क्योंकि chronic alcoholism करने से disulfiram-like reaction दिखाता है patients में जो alcoholism consume करते हैं, alcohol consume करते हैं. Sorry, disulfiram-like reactions क्या होता है? It shows adverse reactions to alcohol. That metronidazole drug will show adverse drug reaction to alcohol like nausea, vomiting, dizziness. So because of this, we can say that metronidazole show disulfiram like reaction. उसके लिए metronidazole drug अगर हम लोग ले रहे तो alcohol consume नहीं करना चाहिए. Otherwise, it will show disulfiram like reaction. So second interaction is. We should not give a metronidazole with enzyme inducers such as phenobarbital and rifampicin. Why? Because it may reduce its therapeutic effect. Because these enzyme inducers will increase the level of enzyme. So when the level of enzymes are increased, then the metabolism of the metronidazole will increase. Because of that, the therapeutic effect of the metronidazole will decrease. Fine. तो उसके लिए एंजाइम इंड्यूसर्स के साथ हम लोग को नहीं देना चाहिए. अदरवाइज वी शुड और चेक द डोज ऑफ द मेट्रोनिडाजोल विद द एंजाइम इंड्यूसर्स. एंड द सेकंड, साइमेटिडिन रिड्यूसेस द मेटाबॉलिज्म ऑफ मेट्रोनिडाजोल. साइमेटिडिन क्या कर रहा है? मेटाबॉलिज्म ऑफ मेट्रोनिडाजोल का रिड्यूस कर रहा है. उसके वजह से क्या होगा? सो द डोज शुड बी रिड्यूस व्हेन गिवन विद साइमेटिडिन. बिकॉज क्यों? क्योंकि अगर वो मेटाबॉलिज्म कम करेगा साइमेटिडिन मेट्रोनिडाजोल का, तो मेट्रोनिडाजोल का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा. राइट. बिकॉज ऑफ दैट वी शुड रिड्यूस द डोज ऑफ मेट्रोनिडाजोल गिविंग विद द साइमेटिडिन. ओके, सो लेट्स सी द नेक्स्ट इंटरेक्शन. दैट इज मेट्रोनिडाजोल एनहांसेस एंटीकोगुलेंट एक्टिविटी बाय रिड्यूसिंग मेटाबोलिज्म ऑफ फॉर्मेरिन्स. मेट्रोनिडाजोल क्या करेगा? एंटीकोगुलेंट जो एक्टिविटी होते हैं कॉमेरेंस की, उसको बढ़ाएगा. कैसे? तो वो मेटाबॉलिज्म, जो कॉमेरेंस का जो मेटाबॉलिज्म होता है उसको रिड्यूस करके, मेट्रोनिडाजोल रिड्यूस करेगा मेटाबॉलिज्म ऑफ कॉमेरेंस और उसके वजह से एंटीकोगुलेंट एक्टिविटी बढ़ेगी. बिकॉज ऑफ दिस कोगुलेशन ज्यादा होगा ब्लड में, तो उसके वजह से थ्रोम्बोफ्लेबिटिस उसके वजह से होता है. अगर प्रोलॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे तो इसके लिए थ्रोम्बोफ्लेबिटिस दिखता है हमें. क्यों? क्योंकि वो एंटीकोगुलेंट एक्टिविटी एनहांस करता है. फाइन. सो वी हैव सीन द एडवर्स इफेक्ट्स, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस एंड द इंटरैक्शंस ऑफ द मेट्रोनिडाजोल. अब ये सब तो उसके इम्पोर्टेंट पार्ट्स थे,
बट मेट्रोनिडाजोल के यूजेस भी तो इम्पोर्टेंट पार्ट्स है उसके, राइट? सो लेट्स सी द यूजेस ऑफ द मेट्रोनिडाजोल ड्रग. सी या अ मेट्रोनिडाजोल इज यूज इन गायरडियासिस विच इज कॉज बाय गार्डनेला वजिनालिस, दैट इज बैक्टीरियल वेजिनोसिस, बैक्टीरियल वजाइनल इन्फेक्शन, फाइन, विच इज कॉज बाय गार्डनेला वजिनालिस which is called as giardiasis. And second, it can be used in ulcer, that is peptic ulcer, in combination therapy for Helicobacter pylori. क्यों metronidazole amebiasis में use होता है, जो ulcer करता है, right? Cause करता है, तो इसलिए वो peptic ulcer में भी use होता है, जहाँ पे H. pylori, जैसे Helicobacter pylori के भी ulcer cause करता है, तो उसके therapy में भी combination के इसमें हम लोग दे सकते हैं. So the third use is in pseudomembranous colitis by Clostridium. C is Clostridium difficile. Okay. So metronidazole pseudomembranous colitis में भी use होता है, जो Clostridium difficile cause करता है. Fine. So the next use is trichomoniasis and amebiasis, which is caused by anaerobic bacteroids and Clostridium. So these are the uses of the metronidazole. इस केस में यूज होता है गायरडियासिस, अल्सर, pseudomembranous colitis, trichomoniasis और amebiasis. इसका एक शॉर्टकट याद रखने का, सी दिस इज जी फॉर गायरडियासिस, यू फॉर अल्सर, पी फॉर pseudomembranous colitis, टी फॉर trichomoniasis एंड ए फॉर amebiasis. इससे ये वर्ड बनता है गुप्ता. सो वी कैन रिमेंबर फ्रॉम द वर्ड ऑफ गुप्ता द यूजेस ऑफ मेट्रोनिडाजोल ड्रग. फाइन. सो वी आर क्लियर विद द यूजेस ऑफ द मेट्रोनिडाजोल ड्रग. लेट्स सी, दिस इज द मार्केटेड फॉर्मुलेशन ऑफ द मेट्रोनिडाजोल टॉपिकल जेल यूएसपी. मेट्रोनिडाजोल कैप्सूल्स में भी मिलते हैं, टैबलेट्स में भी मिलते हैं और सस्पेंशंस में भी मिलते हैं. ओके, मेट्रोनिडाजोल सिर्फ जेल में ही नहीं होते, वी कैन सी इन कैप्सूल्स, टैबलेट्स, सस्पेंशन एंड ऑल अदर फॉर्मुलेशंस. दिस आर द मार्केटेड फॉर्मुलेशंस ऑफ द मेट्रोनिडाजोल. सी हियर इट इज रिटन नॉट फॉर ऑप्थेल्मिक यूज एंड फॉर टॉपिकल यूज ओनली, बिकॉज इट इज अ जेल, सो इट कांट बी यूज फॉर ऑप्थेल्मिक यूज एंड दिस इज नॉट फॉर ऑप्थेल्मिक यूज. ओके, सो लेट्स मूव to the synthesis of metronidazole. अभी तक हम लोगों ने फार्माकोलॉजी देखा मेट्रोनिडाजोल का, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यूजेस, एडवर्स इफेक्ट, कॉन्ट्राइंडिकेशंस, राइट? सो अब हम देखेंगे सिंथेसिस ऑफ मेट्रोनिडाजोल. मेट्रोनिडाजोल का सिंथेसिस कैसे करते हैं? सी दिस इज द ग्लायोक्सल, दैट CHO, दिस इज aldehyde, right? This functional group is aldehyde. तो दो aldehyde group हम लोग glyoxal बोलते हैं, plus two ammonia groups plus acetaldehyde. When we these are the starting materials for the synthesis of metronidazole, glyoxal, ammonia and acetaldehyde. When we mix them, cyclization occur and we will get this imidazole ring with CH3 methyl group. See, ये जो एसिटल्डिहाइड का मिथाइल ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप यहाँ पे, राइट? और ये जो अल्डिहाइड का कार्बन है एसिटल्डिहाइड के, दिस इज द कार्बन एंड दिस इज द डबल बॉन्ड ऑफ ऑक्सीजन जो रिमूव होगा यहाँ से एंड इट विल रिएक्ट विद द टू अमोनिया ग्रुप. हियर आर द टू नाइट्रोजन्स एंड दिस टू कार्बन आर from this glyoxal group, right? And this double bond is of the aldehyde group, this double bond of carbonyl, fine? So हमें ये पता चला कि glyoxal, ammonia और acetaldehyde are the starting material for metronidazole synthesis and when cyclization occur, we can see this methyl imidazole group, okay? So, but यहाँ पे हमें nitro group भी चाहिए, right? So nitro group के लिए हम लोग nitrating mixture use करेंगे, HNO3 and H2SO4, that is sulfuric acid and nitric acid. So we will get this nitro group at the
फिफ्थ पोजिशन. फाइन, सो अभी हम लोग को सी एच थ्री ग्रुप मिल गया, एनओ टू ग्रुप मिल गया, बट ये हमारे यहाँ पे जो वो अल्कोहल था ना वो मिसिंग है. तो ये जो हाइड्रोजन, दिस इज द एसिडिक हाइड्रोजन, सो वी कैन रिमूव दिस हाइड्रोजन एंड वी कैन अटैच दैट ग्रुप हियर विद द नाइट्रोजन. सो वो कैसे करेंगे, वी विल एड बेस विच विल एब्स्ट्रैक्ट दिस एसिडिक हाइड्रोजन एंड हियर वी कैन अटैच दिस ग्रुप दैट इज 2-chloroethanol where the Cl will get removed and it will go with this hydrogen from HCl and the CH2OH group is attached here with nitrogen. So this is the synthesis of metronidazole. Fine, I hope you understood the synthesis of metronidazole. The starting material glyoxal, ammonia or acetaldehyde. वहाँ से हम लोग को मिथाइल इमिडाजोल मिलेगा. तो नाइट्रेटिंग मिक्सचर करेंगे तो एनओ टू ग्रुप भी मिलेगा और उसके बाद में बेस के साथ 2-chloroethanol ग्रुप ऐड करेंगे. सो विल गेट आवर मेट्रोनिडाजोल. सो दिस वाज द सिंथेसिस ऑफ मेट्रोनिडाजोल. सो वी हैव सीन द फार्माकोलॉजी ऑफ मेट्रोनिडाजोल, सिंथेसिस ऑफ मेट्रोनिडाजोल. हमने मेट्रोनिडाजोल का लाइक पूरे इन्फो देख लिया, राइट, कि उसका फार्माकोलॉजी क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका यूजेस क्या है, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, उसका सिंथेसिस भी देख लिया, राइट. सो हम लोगों ने मेट्रोनिडाजोल के जो भी पार्ट हो सकते थे वो सारे कवर किए. सो बट टुडे सेशन का आज का लास्ट का पार्ट बाकी है, वो है आ क्वेश्चन सी. What question says, Sudha, a 20-year-old female, developed antibiotic-associated pseudomembranous colitis caused by Clostridium difficile. Which among the following drugs is most likely to be effective in the treatment of this disease? Question बोल रहा है कि Sudha एक लड़की है 20 साल की, जिसके जो एंटीबायोटिक ले रही है किसके लिए, सुडो मेम्ब्रेनस कोलिटिस के लिए, जो कॉज किसने किए, क्लोस्ट्रीडियम डेफिसाइल ने. सो इसके ट्रीटमेंट में सुडो मेम्ब्रेनस कोलिटिस के लिए कौन सा एंटीबायोटिक यूज है, इफेक्टिव है ट्रीटमेंट में, ये क्वेश्चन पूछ रहा है. ओके, सो लेट्स सी द ऑप्शंस. फर्स्ट इज एम्पीसिलिन, सेकेंड इज क्लिंडामाइसिन, थर्ड इज मेट्रोनिडाजोल एंड द लास्ट ऑप्शन इज क्लोरामफेनिकॉल. ऑल दीज आर द एंटीबायोटिक्स, राइट. तो लेट्स सी, फर्स्ट इज एम्पीसिलिन. एम्पीसिलिन हमें पता है ये दिस पेनिसिलिन क्लास का एंटीबायोटिक है एंड इट इज यूज टू इनहिबिट सेल वॉल सिंथेसिस इन बैक्टीरिया. तो सो इट इज यूज टू ट्रीट मेनिंजाइटिस, इन्फेक्शन ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट, lungs, throat, etc. But it is not used for the treatment of pseudomembranous colitis. Okay, fine. So ampicillin is not our answer because it is used in treatment of meningitis, infections. It is not used in treatment of pseudomembranous colitis. Fine. So let's move to our next option, that is clindamycin. Clindamycin belongs to the class lincomycin. Lincomycin is a class of antibacterial drugs and it is used to treat infections of lung, blood and internal organs. So it is not used for pseudomembranous colitis. So this option is also eliminated. Let's see our chloramphenicol drug. Chloramphenicol is mainly used to treat eye infection. Chloramphenicol kiske liye hota hai? Mainly hum log dekhte hain ki chloramphenicol is used to treat आई इन्फेक्शन के लिए. सो ये भी एलिमिनेट हुआ. सो बचा क्या, मेट्रोनिडाजोल, राइट. एंड वी हैव डिस्कस मेट्रोनिडाजोल इन द यूजेस ऑफ मेट्रोनिडाजोल, दैट मेट्रोनिडाजोल इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ सुडो मेम्ब्रेनस कोलिटिस दैट इज कॉज्ड बाय क्लोस्ट्रीडियम डेफिसाइल. सी, इट इज द फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सुडो मेम्ब्रेनस कोलिटिस. फाइन, so our answer is metronidazole. Okay, so with that we have come to our last part of the session. So thank you so much.
for joining with us. I hope all of you are understood and enjoy the session. We will meet again with the new exciting video of the new drug. So till then, stay home, stay safe, and take care.